हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो सी टेट, एच टेट, यू पी टेट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अन अकेडमी पर भी फॉलो कीजिए। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन उसका आंसर करना है। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है बेमनाद लेगून, पुलिकट लेगून, चिल्का लेगून या कोलेरू लेगून। तो बताना है भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चिल्का लेगून, सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है किसे? ऑप्शन है ओजोन परत, भूकंप, ज्वालामुखी या नदियां। तो इसका जो सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकॉल या मिशिगन। तो विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बताना है पश्चिमी बंगाल, केरल, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है, एशियाई शेर के लिए जो प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान है तो ये है गुजरात राज्य में। ओके, पृथ्वी की ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी है, ये पतली परत है, और इसमें किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल वीडियो, वो आप देख लेना। लोहा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है डियर, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो वो है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? तो बताना है ऑप्शन है ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर या बेसाल्ट। तो निम्नलिखित में से जो कायांतरित चट्टान है तो इसका जो सही आंसर है वो है संगमरमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या 2 घंटे। तो इसका जो सही आंसर है वो है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो होता है डियर, इसका जो सही आंसर होगा 4 मिनट। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी की आयु का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की जो आयु है उसका आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग विधि, कार्बन डेंटिंग विधि, परमाणिक घड़ियों द्वारा या जैव घड़ियों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है, पृथ्वी की आयु का आंकलन यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टूबर या 12 अगस्त। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, किस प्रदेश में है? तो बताना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या मेघालय। तो 10th का जो सही आंसर है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। तो डियर, ये जो महाद्वीप हैं ये इस देश में सबसे अधिक हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 11 का, अफ्रीका में सबसे अधिक महाद्वीपों की संख्या है। और कमेंट सेक्शन में बताना है अफ्रीका में कितने महाद्वीप हैं। क्लियर। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? बताना है लंदन, जेनेवा, पेरिस या रोम। सो 12th का जो सही आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है।
निम्न में से नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मैंने ऑलरेडी ट्रिक बनाई हुई है इसके ऊपर, मैंने अपलोड की हुई है चैनल पर राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो एक बार आप देख लेना, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। यूपी टेट में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, असम या बिहार, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? मेघालय में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सूरज की रोशनी या पानी, तो इसका जो सही आंसर है वो है सूरज की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटकर, सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये चिपको आंदोलन जो हुआ था, ये पेड़ों से चिपक गए थे, साथ में इनकी भी मौत हो गई थी, तो ये जो व्यक्ति तो है चिपको आंदोलन से संबंधित है, कौन सा है? सुंदरलाल बहुगुणा। ध्वनि की किस तीव्रता को किसी शहर के लिए शोर का सुरक्षित स्तर माना जा सकता है या माना जाता है? 60 dB मीन्स डेसिबल, 45 dB, 30 dB या 75 dB, तो सुरक्षित स्तर जो माना जाता है ध्वनि की किस तीव्रता को, तो वो है 45 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानस, हेमिस, कान्हा किसली या जिम कॉर्बेट, तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ये स्थित है, हिमाचल के पूर्व में, तो ये है हेमिस। ओके, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, देहरादून, बेंगलुरु या मुंबई, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो डियर, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, सॉरी 18 का जो सही आंसर होगा वो है बेंगलुरु। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? ऑप्शन है उर्सा माइनर, स्कल्पचर, डेक्रो या मिल्की वे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा जो पृथ्वी है वो गैलेक्सी का एक भाग है, किनमें से? मिल्की वे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, वोल्केनो नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? जैसलमेर, मकराना, गिरिडीह या मुंगेरू, तो जो सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है जिससे ताजमहल बना है, तो ये मकराना में है, राजस्थान में है, मकराना एक तहसील है। ठीक है, तो वहाँ पर सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत अवस्थित हैं कैनेडा, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड या USA, तो बताना है इनमें से, निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत जो अवस्थित हैं वो है USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है बंगाल की खाड़ी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, पामीर ग्रंथि या मन्नार की खाड़ी, सो 23 का जो सही आंसर है, श्रीलंका को भारत से जो अलग करती है, पृथक करती है, कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं, सो 24 का जो सही आंसर है, इनमें से बताना है ग्रीन हाउस गैस है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा, हिरन, गाय या जंगली भैंस, तो राइट आंसर जो होगा वो है 25 का, वो है डियर पांडा। ठीक है, पांडा को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 11.1%, 22.2%, 33.3% या 44.4%, तो कितना अनुपात होना चाहिए वन क्षेत्र का? वो है 33.3%। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या कोयला, तो डियर इसका जो सही आंसर होगा वो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कोयला। सौर मंडल में किस ग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है?
ऑप्शन है चंद्रमा, फोबोस, टाइटन या यूरोपा। 228 का जो सही आंसर है, सौरमंडल में किस ग्रह में जीवन की जो संभावना है वो विद्यमान है, तो वो जो है वो है यूरोपा। ठीक है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो वो है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सॉरी ये प नहीं आएगा, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री। तो किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, सो 29 का जो सही आंसर है वो है देवप्रयाग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, हुंडरू, जोग, ककोलत या येना। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, तो इसका जो सही आंसर है 30 का वो है जोग। ठीक है, तो डियर यही थे 30 क्वेश्चन हमारे जो यूपी टेट, सी टेट, एच टेट में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।